107 News. जनता जब किसी को चाहती है तो उसे अपने सर आंखों पर बिठा लेती है, लेकिन जब उसी से नाराज होती है तो खुलकर इसका विरोध करती हुई नजर आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है गुरुवार शाम को इंदौर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लोगों ने आक्रोश दिखाया। इंदौर के MRTN चौराहे पर संतों और महिलाओं ने प्रदीप मिश्रा के राधा रानी से जुड़े प्रवचन का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। दरअसल कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी सरकार पर एक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में रहवासियों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए MRTN चौराहे पर सद्बुद्धि पाठ किया और प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन किया। इस दौरान लोगों ने मिश्रा के पोस्टर का मुंह भी काला कर दिया। रहवासियों ने कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा राधा रानी सरकार के खिलाफ अनर्गल तरीके से बयान दे रहे हैं, जो निंदनीय है। आने वाले दिनों में यदि प्रदीप मिश्रा इंदौर में कथा करेंगे तो उसका भी विरोध किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा जी ने ऐसा है कि वो अपनी जो कथा करते हैं उस कथा में पहले तो वो मनोरंजन करते थे सांस बहुओं के किस्से सुना सुना कर, लेकिन अब वो इतने अपने आप में घमंडी हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका बरसाने से कोई लेना देना नहीं है, वो बरसाने की नहीं है, राधा जी का कृष्ण जी से कोई संबंध नहीं है, राधा रानी कृष्ण जी का जो प्रेम है वो एक काल्पनिक है। तो हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी काल्पनिक बातें जो हैं वो आपको किसने बताई हैं? आप हमेशा कुछ ना कुछ नया विवादित बयान देते हैं, पब्लिक आपके वहाँ आ रही है तो आपको भगवान पूजने आ रही है, आपको पूजने नहीं आ रही है, आप स्वयं को भगवान बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मत जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ, अभी वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना ही नहीं हुई है वहाँ पे, और पिछले 5 साल से वहाँ पब्लिक जा रही है, चंदा दे रही है, लाखों रुपए अरबों रुपए चंदा आ रहा है, और तुम लोग बोल रहे हो कि भैया ज्योतिर्लिंग मत जाओ। जो ज्योतिर्लिंग में भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उसी में जाने का मना कर रहे हो, तो मतलब सारे ज्योतिर्लिंग का ठेका आपने ले रखा है कुबेरेश्वर धाम के लिए। हम अभी उनका पुतला जलाने वाले हैं कुछ ही क्षण बाद, हमने उनके मुंह पे कालिक भी पोती है और यहाँ पे राधा रानी का नाम जपा है और उनको राधा रानी सद्बुद्धि दे, ऐसी हमारी कामना है कि वो भगवान श्री कृष्ण भगवान राधा, जो कि शिव पुराण में शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं जब तक विष्णु है नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, जब तक मैं पूर्ण नहीं हूँ, मेरी पूर्णता ब्रह्मा विष्णु महेश से ही होगी, तो ये कौन होते हैं जो हमें भगवान के नाम पे अलग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं SNN 7 News. अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। एनजे इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से, संपर्क करें 9827710237 9300015005।